नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और मैच नंबर 20 हमारे ओटू चैंपियनशिप WCC3 के गेम प्ले में आपका स्वागत है। भिड़ रही हैं ऐसी दो टीमें जो टेबल में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है, श्रीलंका इस टेबल में सबसे आखिरी नंबर 8 पर है। न्यूजीलैंड अभी तक हर मैच जीता है, अनडिफिटेड रहा है। देखते हैं श्रीलंका उसे आज रोक पाते हैं कि नहीं। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, बॉलिंग का फैसला लिया है। कमेंट्री में एक बार फिर मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा आकाश चोपड़ा को पहली गेंद के साथ। अभी के लिए फील्डिंग टीम आती हुई, इंतजार हो रहा है बैटिंग और ठीक उनके पीछे श्रीलंका के खिलाड़ी ओपनर्स। दबाव आज ज़्यादा होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा अपोनेंट है सामने और मैच का मूवमेंट भी ऐसा है कि जीतना जरूरी है यहाँ से, वरना आप पीछे होते जाओगे यहाँ से। और ओके, गेंदबाजी में जा रहे हैं तेज गेंदबाज के साथ, राइट आर्म फास्ट बॉलर। खास है ये गेंदबाज, रिवर्स स्विंग कराने में माहिर है ये गेंदबाज। बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया लेकिन गेंद नहीं, सिर्फ हवा से। फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो। इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग। बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। एक और नो बॉल। बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया, गेंद को भेजना चाहते थे चांद पर लेकिन संपर्क हुआ ही नहीं। नो। इज गॉन। सही जजमेंट का सही नतीजा, बढ़िया कैच, एक और सफलता और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के नाम। तोहफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। या। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का, शुरुआत कर रहे हैं ऑफ स्पिनर के साथ। क्लीन स्वीप है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को। ग्रेट कैच। क्या इतनी अद्भुत कैच पकड़ी जाएगी, ऐसा सोचा नहीं था बल्लेबाज ने। बढ़िया पकड़ा कैच, गेंदबाज गोल्डन डक। तोहफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। क्रीज पर आए हैं नए बल्लेबाज, उम्मीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे। पांचवी गियर में लगाया ये ऑन ड्राइव, हार्ड एंड हैंडसम। चीते को पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज। यहां तो क्राउड में भी हेलमेट बंटवाने पड़ेंगे। एक और गेंद गई है स्टैंड्स में, गेंद की रिप्लेसमेंट मंगवानी पड़ेगी आसानी से मिलने वाला सिक्स। चतुर है गेंदबाज, दूसरे से छकाया बल्लेबाज को। बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रन करार दिए गए अब पवेलियन तक। अमूमन ये मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं लेकिन आज बैटिंग ऑर्डर में किया है बदलाव, देखते हैं क्या भाग्य बदलेगा इनका। दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस, क्या वो हो पाएगी आज। खूबसूरत तो मुंबई का मरीन ड्राइव भी है लेकिन इस कवर ड्राइव से ज्यादा नहीं। पॉइंट फील्डर के हाथ में सीधा ड्राइव, कोई रन नहीं। ओवर की आखिरी गेंद देकर गई है चौका, एक और ओवर की समाप्ति। दो ओवर के बाद श्रीलंका ने लगाए 22, शुरुआत कुछ खास हुई नहीं थी। करुणरत्ने ने यहाँ पर 6 में 17 मारे, उन्हीं की बदौलत ये 20+ का स्कोर कर पाई है। ओके, देख सकते हैं बाकी के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने 7 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए हैं। तो 23 का पीछा करने उतरने वाले हैं न्यूजीलैंड की टीम, जो कि ऑन पेपर लग रहा है कि एक ओवर में कर लेगी, मैक्सिमम 8 गेंदों में कर लेगी। देखते हैं
जब बारी आती है परफॉर्म करने की, तब क्या होता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। कठिन नहीं है, लेकिन मैच में रहेगा रोमांच, क्योंकि सामने वाला नई गेंद आज पूछेगी कुछ कठिन सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए। थोड़ी ऐसा खेले कि सब इनको सलाम ठोके। लेग स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद। मैसिव हिट, हवा में है शॉट, फील्डरों को छोड़ो, दर्शकों को भी नहीं लगेगी हवा, स्टेडियम के बाहर छेरा छक्का लगाया। जबरदस्त शॉट के साथ एक करारी शुरुआत पहली गेंद। ऊंची तो बहुत गई है लेकिन ज्यादा दूर नहीं। समझ अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच। फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता। बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। टीम ने कुछ प्लान किया है और उस प्लान का हिस्सा है ये। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं है अमूमन, लेकिन आज यहां भी ना पढ़ पाए ना जड़ पाए। समस्या गंभीर बल्लेबाज के लिए, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बेहतर भागने। स्लैम, बल्लेबाज सुपर कूल, ये शॉट पैसा वसूल। 6 रन, गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए। नहीं, संदेश है, चौके से की शुरुआत है। स्लैम, ये गेंद गई है स्टैंड के पार, बहुत दूर। 6 रन, कमाल का शॉट। 6 और 6, अनस्टॉपेबल। चौके के साथ ओवर समाप्त। क्या खूबसूरत अंदाज, नेल बाइटिंग मुकाबला था। दोनों ही टीम्स ने की बहुत सारी जद्दोजहद। खैर, अंत में एक टीम को मिली जीत और उनको है बहुत सारी बधाई। गेंदबाजों ने किया थोड़ा सा लेट डाउन, उम्मीद थी कि बेहतर करेंगे, विकेट चटकाएंगे, ऐसा हो ना सका और अंत में हार का मुंह देखना पड़ा। गेंद के साथ मैच को पलटा, बैट के साथ मैच को लपका। इसे कहते हैं ट्रू ऑलराउंड परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ये टूर्नामेंट का बॉस कौन है। लगातार 6ठी जीत यहाँ पे मिलती हुई, अगर मेरे ख्याल से 2 जीत और हासिल कर लेंगे तो हमारे किसी भी टूर्नामेंट का रिकॉर्ड टूट जाएगा। एटलीस्ट WCC और रियल क्रिकेट का रिकॉर्ड तो टूट ही जाएगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 6 या 7 जीत किसी एक टीम ने हासिल की थी, लेकिन 8 टीम मुझे याद नहीं आ रहा कि मोबाइल फॉर्मेट में किसी ने ली हो। तो आसान मैच, मैंने कहा था 6-7 गेंदों में मैक्सिमम, हो सकता है 8 गेंद तक जाए, लेकिन 1 ओवर में ही जीत लिया 2 ओवर के मैच को। और अब बाकी की टीमें जरूर टेंशन में होगी कि न्यूजीलैंड के सामने मैच ना आए या फिर न्यूजीलैंड हम ना बने। जो भी है, जैसा अभी ये पता लगे आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले स्ट्रीम में, अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।